नमस्कार दोस्तों, सीबीटी अपर्णव यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2021 के चौथे मैच की विनिंग टीम प्रेडिक्शन आज हम अपने इस वीडियो में बता रहे हैं। टीएनपीएल टी20 का चौथा मैच डिंडुगल ड्रैगन्स वर्सेज मदुरई पैंथर्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है। मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो इस मैच में शायद बारिश हो सकती है, बारिश होने की संभावना है, क्योंकि इस समय मानसून पूरे भारत में आया हुआ है। अब अगर हम बात करें इन दोनों टीमों की खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो दोनों ही टीम काफ़ी मजबूत हैं। दोनों ही टीमों ने जो अपने पिछले साल क्योंकि 2020 में तो कोरोना कारण टीएनपीएल टी20 नहीं हो पाया था, 2019 में जो अंतिम बार ये आपस में भिड़े थे तो 5 में से 3 मैच दोनों ही टीमों ने जीते हैं। अब हम इस मैच की विनिंग टीम प्रेडिक्शन से पहले इन खिलाड़ियों के बारे में भी जान लें कि कौन सा खिलाड़ी इस टीम में ज़्यादा अच्छा चल सकता है। अगर हम हमारे पास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक सीरीज में 3 मैच हुए हैं, 3 में से 2 मैच पास हुए, 1 मैच बारिश के कारण पूरा ना हो सका था। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में विनर टीम सेशन लंबी पारी की टिप्स आप सभी दोस्तों को बताते हैं। जिन दोस्तों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 87690 37167 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। अगर हम मैच की स्कोर की बात करें तो इस मैच में ज़्यादा स्कोर नहीं बन सकता है। बॉलिंग की फेवरेट पिच होती है, बॉलर को काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। स्कोर 140 से के आसपास ही बन सकता है इस मैच में, 140। वैसे अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो इस ग्राउंड में टीएनपीएल टी20 में एवरेज स्कोर 100 के आसपास रहा है। 100 काफ़ी कम स्कोर है, लेकिन हमें लगता है इस ग्राउंड में इस बार 171 तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 137 से 157 के आसपास रन बन सकते हैं। और अगर हम छेवर की सेशन की बात करें जो पहले बैटिंग करेगी तो 35 से 41 रन बनेंगे। अब हम मुद्दे की बात आते हैं कि इस मैच को आखिर जीते हैं कौन। डिंडिगुल वर्सेज मदुरई के बीच जो चौथा मैच टीएनपीएल टी20 का खेला जाएगा, इस मैच को मदुरई विन होगी, मदुरई इस मैच को जीत सकती है। अगर आप दोस्तों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो आप हमें डिसलाइक भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड होंगे। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।